नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। पश्चिम बंगाल से आज बहुत बड़ी खबर आई। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की रैलियों को बैन कर दिया है। अगले 24 घंटे तक दीदी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। ममता पर यह एक्शन विवादित बयानों की वजह से हुआ। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बंगाल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने बंगाल में 3 बड़ी रैलियां की। हर मंच से मोदी ने ममता सरकार की नाकामियां बंगालवासियों गिनाई। कट मनी करप्शन के तमाम इल्जाम टीएमसी पर लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, जो इल्जाम दीदी पर लगाए, क्या उससे बंगाली मुसलमान मुतमईन हैं? मोदी जहां जहां गए, जहां जहां पर रैलियां की, वहां मुस्लिम मोटे काटा किधर है? कितने प्रतिशत मुसलमानों को मोदी कबूल है? आज एम फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में आपको इसका जवाब मिलेगा। चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। बीजेपी मने करछे राजनीति करो माने गुली चालनार अधिकार दवा, एटा राजनीतिर नाम नय। बंगाल की सियासी पिच पर दावों का ज्वार है। दावे बंगाल फतेह के हैं, दावे दीदी का सियासी दुर्ग दरकाने के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बंगाल को साधने पहुंचे थे। बर्धमान, नादिया, बारासात में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बड़ी रैलियां की। हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की विराट विजय के दावे किए। हर मंच से मुद्दों की मिसाइल ममता पर दागी। दीदी की कड़वाहट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। माँ, माटी, मानुष के नाम पर बंगाल पर राज किया है, लेकिन इन दिनों सभा में मोदी 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 करती रहती है। एक बीजेपी पार्टी, एक हाथे बीजेपी झंडा, अन्य हाथे बड़ो बड़ो डंडा, साथे आछे बीजेपी गुंडा, बहिरागत हो गए किछु पंडा। पूरब में फतेह के बड़े दावे, मुस्लिम वोट किधर भागे? दीदी की विदाई का प्रबंध कर दिया है। 2 तारीख को दीदी जाने वाली। लज्जा करे ना, लज्जा घिना भय, 3 थकते नए। चुनावे बंगाल का ग्राउंड टेस्ट, मुसलमान बताएंगे कौन बेस्ट। दीदी, ओ दीदी, बंगाल के लोगों का अब लूटने नहीं दिया जाएगा। कोनो उद्वास्तु रकम থাকবেন না, যে জমির দলিল পাবেন না। बंगाल की विजय राज चुनौतियों से भरी है। चुनौती कबूल ने अमित शाह भी बंगाल पहुंचे। शाह ने कालिम्पोंग में रोड शो किया। दीदी की हार और बीजेपी की विराट जीत के दावे किए। जीत हार के दावे अपनी जगह, दलीलें भी अपनी जगह, लेकिन कलकत्ते की लड़ाई में मुसलमान किसे सिरमौर बनाएंगे? चौथे राउंड की भिड़ंत के बाद मुस्लिम मूड का कांटा किधर है? जिस बर्धमान, बारासात और नादिया में मोदी गए, वहां मुसलमान के भगवा परचम थामने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, दीदी ने जो ताल ठोकी, उससे भाईजान कितने मुतमईन हुए। मुस्लिम मूड की इसी नब्ज को हमने बर्धमान से लेकर नादिया तक टटोला। खुद को मनवाने का हुनर मुझको आता है, मैं वो कतरा हूँ कि समंदर भी मेरे घर आता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के इस्पात नगरी दुर्गापुर में, अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में दुर्गापुर के मुसलमान किसे बनाएंगे फौलाद और किसे कर देंगे बेताज। तो आइए चलते हैं इस्पात नगरी में और जानते हैं क्या कहता है दुर्गापुर का एम फैक्टर। पश्चिम दुर्गापुर में 9% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ये दुर्ग कांग्रेस के कब्जे में है। विश्वनाथ परियाल यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। साल 2016 में यहाँ के भाईजान ने कांग्रेस का हाथ थामा था। तब कांग्रेस को 54.44% वोट मिले थे, टीएमसी को 32.95% और बीजेपी को महज 9.19% वोट हासिल हुए थे। बंगाल की रेस में कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है। क्या इस बार कांग्रेस दुर्गापुर के दुर्ग को बचा पाएगी? यहाँ लहर किसकी है? इसका पहला जवाब चौंकाने वाला मिला।
इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, और ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं नूरी जामा मस्जिद है। यहाँ के क्या चल रहा है ये बंगाल में? बंगाल में जो पहले से चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और यहाँ किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब से ममता बनर्जी CM है हमारी, और बंगाल के अंदर जो अमन शांति है, हम लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह ये अमन शांति बना रहे। और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी आती है, कोई भी पार्टी हो, खास तौर से BJP अगर आए, तो यहाँ की अमन शांति भंग हो जाएगी। ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते कोई भी चुनाव होता है, कुछ भी होता है, तो तमाम सियासी मंचों से मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तो एक मुसलमान होने के नाते तब आपको कैसा महसूस होता है? मुसलमानों को यूज नहीं होना चाहिए, और जो हमारी CM है ममता बनर्जी, उसी का साथ देना चाहिए। और ये भी कन्फर्म है कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी के अलावा मुसलमान किसी को भी अपना CM मानने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम दुर्गापुर बर्धमान लोकसभा सीट का हिस्सा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर में TMC और कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। बाजी BJP के SS अहलूवालिया ने मारी थी। तब BJP को 54.29% वोट मिले थे, TMC को 29.66%, CPM को 10.95% और कांग्रेस को महज 2.16% वोट मिले थे। जो भगवा लहर साल 2009 में यहां दिखी, क्या वो लहर इस बार भी यहां के भाईजान को कबूल है? भाईजान अब की बार किस पाले में है? इस सवाल का जवाब नईम नगर के मुस्लिम मोहल्लों में मिला। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है भाई। आपने तो पहले से टी शर्ट पहन लिया विनर। क्योंकि खेला चालू हो गया है। खेला चालू हो गया है। और खेलना है आगे, और सब बढ़िया है। और ये खेला होबे? खेला तो होबे। झमेला होबे? ना, खेला होबे। खेला होबे? खेला होबे। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल तक BJP के ताड़ाना होबे। अच्छा, आप हिंदी में बोलिए। क्या बोले? खेला तो होगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से BJP को भगाना होगा। एक इल्जाम लगता है खासकर के मुसलमानों पे, सियासी पार्टियां ही लगाती हैं, कहती हैं मजहब के नाम पे वोट होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? मजहब के नाम पे वोट होता है, ये तो मजहब के नाम पे तो BJP लड़ा रहा है। ठीक है, मजहब के नाम पे तो कभी ममता बनर्जी कभी लड़ाई नहीं, कभी हिंदू कभी मुसलमान कभी ये सब की नहीं। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में ये मोदी आए हैं, तब से हिंदू मुसलमान पंजाबी से यही सब कर रहे हैं, उनके पास तो कोई विकास है ही नहीं। कि सबसे पहले गुजरात को सोना का सोने के बनाए, उसके बाद में जो है UP को बनाए, इसके सिवा पश्चिम बंगाल में घुसने की कोशिश ना करे BJP। हमारा TMC ममता बनर्जी है, वो अपने जगह बहुत बेहतरीन। आपको लग नहीं रहा कि घुस चुका है आपके यहाँ? घुसा है, लेकिन अभी सीट प्राप्त नहीं हुआ है। अरे 18 सीट आप ही तो दिया था। मैंने नहीं दिया था। अरे तो आप ही जनता है, दूसरा कौन देगा? बंगाल की जनता उसको दे दिया भूल से, हिंदुओं ने दिया, मुस्लिम ने नहीं दिया है। जहाँ तक कोशिश करेंगे, आप भी तो हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं हिंदू ने दिया मुसलमान ने नहीं दिया। वो BJP नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम का लड़ाई उसने कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान मेरे साइलेंट वोटर में चुपचाप दे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी की बात, वो घूस के तौर पर भी रुपया देंगे तो मुस्लिम मुझे वोट नहीं देंगे। दुर्गापुर के भाईजान दीदी के दीवाने हैं मोहम्मद जफर जैसे भाईजान, BJP से खासे खफा हैं। क्यों खफा हैं? इसकी वजह जफर ने खुद गिनाई। मुस्लिम मूड का कांटा बंगाल में हर बार चौंकाता है, क्या यहाँ भी चौंकाने वाला था? नईम नगर में क्या हवा पलटने वाली थी? इससे पहले 4 साल 9 महीना पहले कहाँ थे? 4 साल 10 महीने पहले कहाँ थे? अरे हमारे लोग तो थे ना यहाँ। कहाँ थे? नहीं नहीं, कहाँ थे सर? कहाँ थे? चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कहाँ थे जो आके जाके जनता से पूछे कि TMC पार्टी कैसा काम कर रही है, नहीं कर रही है? आज इलेक्शन सामने में है तो आप माइक लेके जगह जगह जा रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही पूछेंगे ना कि आप संतुष्ट हैं या नहीं है। अरे आप है रिपोर्टर, सुनिए, रिपोर्टर चाहे तो देश को अमन शांति में रख सकता है, और रिपोर्टर चाहे तो डिवाइडेड कर सकता है। ये सब रिपोर्टर पर है, क्योंकि रिपोर्टर ही सच बात को सामने लाता है, चाहे जैसा भी बात हो, सच बात को सामने लाता है। बंगाल विजय की राह चुनौतियों भरी है। मुस्लिम मिजाज से इसका साफ सिग्नल मिल रहा था। भगवा ब्रिगेड विकास के पथ पर बंगाल को फराटा भरवाना चाहती है। दीदी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहती हैं, लेकिन बंगाल परिवर्तन के दावों पर दुर्गापुरिया भाईजान अपना नजरिया रखते हैं। दुर्गापुर में ही मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ। एक भाई साहब दिखे हैं, बेचारे के पीठ पे वजन बहुत ज्यादा है। चल रहा है अंदर? ठीक ठाक चल रहा है, पहले वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक जी, वही तो मुद्दा है ना। मुद्दा यही है कि यंग जो जनरेशन है उसको रोजगार चाहिए। हमको मस्जिद से मंदिर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ मस्जिद है मंदिर है
अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, बहुत ही काबिल इंसान का पोस्ट था, कि मंदिर और मस्जिद बनने से भिखारी ही निकलेंगे वहाँ से। अगर यहाँ पर स्कूल या कॉलेज बनता है तो वहाँ से ग्रेजुएट होकर लोग अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। तो सरकार को मंदिर और के तरफ ध्यान नहीं देके उसको इंडस्ट्रियल के तरफ ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्रीज बेल्ट के ऊपर में, जिससे हम लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब सियासी नेता लोग आते हैं तो क्या ये मुद्दे आप उनके सामने उठाते हैं? जी रखते हैं, हम रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। मैंने तो नहीं के बराबर लोगों को देखा। आप तो नेताजी जिंदाबाद करने लगते हैं। हमको अंधभक्ति नहीं बनना है ना, हम व्हाट्सएप देख के न्यूज थोड़ी देखते हैं, हम तो देख रहे हैं न्यूज को। आपका चैनल है, अच्छा न्यूज दिखाता है। हर बार इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन जाता है, ये मुद्दा क्या है, इससे क्या फायदा है? हमारा मुद्दा शिक्षा रोजगार है, बिल्कुल क्लियर है। और जहाँ पर क्या, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी का मुद्दा यही है। तो ईवीएम पे बटन दबाते तक आप रहेंगे कायम? बिल्कुल रहेंगे, यही मुद्दा होना चाहिए, आगे भी यही मुद्दा होगा। दुर्गापुर में हसन रजा जैसे मुसलमानों की पहली पसंद ममता है। यहाँ मुसलमान थोड़ी उलझन में जरूर दिखे, लेकिन वोट पर उनका विजन क्लियर है। दुर्गापुर में दीदी की लहर दिखी, लेकिन जिस नादिये में प्रधानमंत्री मोदी गए वहां भाईजान किसे कबूल करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्धमान के बाद जिस नादिया गए उस नादिया में 7% से ज्यादा मुसलमान हैं। नादिया के मन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी को हर मोर्चे पर घेरा। घर बनाना है तो टीएमसी को कट मनी दो, राशन लेना है तो टीएमसी को कट मनी दो। नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उससे भाईजान का मन कितना बदला, अब इसकी टेस्टिंग की बारी थी। उस वक्त हम पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हैं और ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं चांदामारी का इलाका है, चांदामारी की न्यू मस्जिद है। क्या लग रहा है, सियासत कैसे जा रही है अभी बंगाल में? सियासत बहुत अच्छा लग रहा है, जो फिलहाल सियासत चल रहा है मेरा ख्याल से बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं सरकार की बात आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी की जो सरकार चल रही है वो अच्छी चल रही है? जी जी, यही सरकार चल रहा है ना। जी जी, उस सरकार के बारे में मुझे बहुत खुश है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आपके तमाम जो अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, वो इस सरकार में पूरी हो पाई हैं? जी जी जी, जैसे आप बताइए कि क्या आप सोचते थे, क्या मिला? तो फिलहाल जो कौम के लिए मिल्लत के लिए जो सरकार दे रहा है ना, जो बहुत कुछ दे रहा है। जैसे जैसे जो रास्ता है, मकान है। क्या लग रहा है, किसका माहौल बना हुआ है? किसका माहौल बना रहा है, ये देखने से हम तो पार्टी मार्टी से नहीं जाता है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। पार्टी वाले से क्यों पूछेंगे? वो कौन सा पार्टी हमका भला नहीं चाहता है? कोई पार्टी आपकी नहीं, 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 नहीं। अभी जो ममता दीदी की सरकार है वो कैसी लगती है? ममता दीदी अच्छा है, ममता दीदी का जो पास हो ना उसका कोई अच्छा नहीं है। ममता दीदी अच्छा है, ममता दीदी अच्छी है। हाँ, ममता दीदी से अच्छा है, एकदम ऊपर वाला से दुआ करता है वो अच्छा है, लेकिन उनके पास वाला, पास वाला नहीं अच्छा है। मतलब उनके नीचे का जो नेता वो आपको अच्छा नहीं है, तो फिर हिसाब कैसे होगा? हिसाब तो दीदी करता है। अच्छा ये बताइए, मुकाबला किस में लग रहा है बंगाल में, कौन कौन से पार्टी में मुकाबला है? मुकाबला तो बंगाल से बहुत पार्टी आ रहा है। नहीं, आपको क्या लग रहा है किस में मुकाबला होगा? मुकाबला होगा तो बीजेपी जो हो ना उसका साथ मुकाबला तो होगा, इधर बीजेपी अच्छा काम नहीं करता है। चकदा के इमाम साहब दीदी से पूरी तरह मुतमईन दिखे। मुसलमानों के इसी भरोसे के दम पर दीदी की पार्टी यहाँ पिछले 2 चुनावों से लगातार जीत रही है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को यहाँ 51% वोट मिले थे, जबकि सीपीएम को 43% और बीजेपी को महज 3% वोट मिले थे। लेकिन क्या इस बार भी यहाँ दीदी का दबदबा कायम रहेगा? इस वक्त हम चाकदा विधानसभा के दक्षिण चाकदोरिया गांव में पहुंच चुके हैं। एक बात और बता दूं,
कि इस गांव तक सड़क नहीं आती, हमने गाड़ी अपनी पीछे ही छोड़ दी है और वहां से चलते हुए पैदल आया हूं। सीमावर्ती इलाका है, यहां से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश का इलाका शुरू हो जाता है। ये बताइए आप, तो दीदी तो कहती हैं कि मुसलमानों के लिए हमने सब कुछ किया, सारे मुसलमान हमारे हैं। दीदी जा बोल रहा, वो सब फेक बोल रहा, फेक बोल रही है। अच्छा, ठीक है जी। कोनो हमारा मुस्लिम ग्राम में कोनो डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, की रास्ता घाट, की कब्रस्तान, की मस्जिद, की ईदगाह तला। ताई हमरा माने हमारा यही सिद्धांत निर्णय लेता है जे आपका मोदी जी का साथ चल रहा। आप मोदी जी के साथ चल रहे हैं? यस, हम मोदी जी साथ चल रहा। दीदी के इस गढ़ में साइलेंट मुस्लिम वोटरों का मूड मीटर चौंका रहा था। नादिया में सियासी हवा दीदी के खिलाफ बह रही थी। यहाँ के भाईजान भगवा रथ पर सवार दिखे। यहाँ मुसलमानों को मोदी पसंद है। क्या ये दीदी के लिए किसी बड़े खतरे का अलार्म है? क्योंकि ममता के गढ़ में केसरिया का जोर और शोर है, खासकर वहाँ जहाँ कोई जाता नहीं, जहाँ विकास भी नहीं पहुँचता और विकास के दावेदार भी नहीं। तो क्या बंगाल में अब की बार मुसलमान परिवर्तन का मूड बना चुके हैं? 3 M फैक्टर पे है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 3rd M फैक्टर है मुसलमानों वाला, ये किसके साथ जाएगा? मुसलमान अब तक जो डिसीजन लिया है वो कुछ TMC के साथ जाएंगे, कुछ BJP के साथ आएंगे, कुछ मुस्लिम जो इस वजह उसके पास जाएंगे, तो मुस्लिम बटा हुआ है। ये बताइए जहांगीर भाई, आपके जो इतनी बातचीत हुई तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप दीदी से खुश नजर नहीं आ रहे। नहीं, खुश तो नहीं है, जाने वाला है। तो फिर चुनाव में विकल्प क्या होगा नया? BJP आएंगे, यहाँ पर तो BJP आएंगे। जहांगीर मंडल भी मोदी के फैन है, लेकिन इन्हें बंगाल में मुस्लिम वोट के बंटवारे का डर है। नादिया के चकदा में अब तक की पड़ताल में ये साफ हो गया था कि यहाँ कांटे की टक्कर है, लड़ाई दादा बनाम दीदी में है। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल कैसा है? तो हमारा रास्ता ये सब देख लीजिए ना, ये सब रास्ता है, ये सब CPM का रास्ता है, ये 3 TMC का रास्ता नहीं हुआ, ये तो कच्चा रास्ता है। हाँ, कच्चा रास्ता है, कोनो माटी रास्ता हुआ, ये सब माटी कच्चा रास्ता, ये सब रास्ता कोनो काम नहीं हुआ। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।